599 में यार मुझे तो वर्थ लगा प्रोडक्ट, और सबसे अच्छा इसका बैकअप है जो कि प्लेबैक 13 आवर्स का देता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज भाई हमने एक फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। इसकी कॉस्ट है 599। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि मैंने जेब्रोनिक के ब्लूटूथ स्पीकर मंगाए हैं, जो कि मुझे फ्लिपकार्ट से 599 के पड़े हैं। और भाई ये बजट क्या कहते हैं हेडफोन है, तो चेक करेंगे भाई कैसी क्वालिटी है, क्या है, कैसे है। तो कुछ ऐसी सी पैकेजिंग में आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, और इसमें जो सबसे बेस्ट थिंग मुझे लगी कि 599 होने के, 600 रुपये का होने के वजह से भी इसके जो बैकअप टाइम है उसमें कोई कमी नहीं है। ये हमें प्लेबैक 13 आवर्स का बैकअप देता है, जो कि बहुत अच्छा है। और 599 में यार इससे अच्छा कुछ मिल भी नहीं सकता है। ब्लूटूथ ये 5 वर्जन सपोर्ट करता है। स्पेसिफिकेशन है जिसमें आपको ब्लूटूथ 5th वर्जन मिल जाता है, और ये HFP, HSP, A2DP और AVRCP सपोर्ट करता है। और बाकी इसका जो वेट है वो 26 ग्राम है। ठीक है भाई, तो खोलते हैं इसको और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमको। मेरे पे इससे पहले बोट के थे, और उसका जो मैग्नेट था बहुत पावरफुल था, पर इसका इतना पावरफुल नहीं है। इसके अलावा इसमें मिल जाती है एक बी टाइप डाटा केबल और कुछ ईयरबड्स आपके हिसाब से, और एक ये यूज़र मैनुअल जो कि जनरली किसी काम का नहीं है। तो भाई देखते हैं इसको कनेक्ट करके और देखते हैं कैसा सा है ये प्रोडक्ट, गले में डाल कर देखते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है भाई, कनेक्ट करते हैं इसको। तो भाई ये ZDB, ये क्या स्टार्ट हो गया है और 90% बैटरी शो कर रहा है, और चाहो तो आप इसका यहाँ से नाम एडिट कर सकते हो, पर ऐसा कोई खास ज़रूरत है नहीं। तो भाई इसका इससे मैंने एक सॉन्ग सुन लिया है, और क्वालिटी मुझे मतलब मैं बोट का 255, बोट रॉकर्स 255 क्या कहते हैं, वायरलेस हेडफोन यूज़ करता हूँ, तो उसके कंपैरिजन में तो थोड़ा सा मतलब ठीक ठीक है। मतलब अगर कॉस्ट के वाइज से देखा जाए तो बहुत ठीक है। और अभी जो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इसके माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब बताना भाई कमेंट करके कि जो इसके माइक से जो नॉइज आ रही है वो ठीक है कैसी है। और अगर बात करी जाए कि 599 में यार मुझे तो वर्थ लगा प्रोडक्ट, और सबसे अच्छा इसका बैकअप है जो कि प्लेबैक 13 आवर्स का देता है, जो कि अपनी इस कॉस्ट में तो शायद नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक बजट ब्लूटूथ हेडफोन देख रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसके साथ इसको ले सकते हैं।